गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास. इन प्रीवियस वीडियो वी हैव लर्न व्हाट आर द सॉलिड शेप्स. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर अबाउट सॉलिड शेप्स एंड यूलर फॉर्मूला. मीन्स नाउ वी नो ए लॉट अबाउट सॉलिड शेप्स एंड डिफरेंट एंगल्स ऑफ व्यूइंग दीज सॉलिड शेप्स. सॉलिड शेप्स लाइक क्यूबॉइड, प्रिज्म, पिरामिड एटसेट्रा आर मेड अप ऑफ पॉलीगन reasons which are called its faces. All these are the polygonal faces, right? ये देखिए, it is one cuboid and all these polygons, right? One polygon, second polygon, one polygon here, second polygon here, third polygon is there, fourth one is this, right? Fifth one is this and sixth one is downward. राइट. तो ये मेरे पास क्या हो गए, ऑल दिस पॉलीगन्स आर इट्स फेसेस. राइट. तो हाउ मैनी पॉली फेसेस अ क्यूबॉइड हैज, सिक्स पॉलीगन्स. अभी हमने काउंट किया ना इन्हें. राइट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ एजेस. राइट. तो एजेस आर वेयर फेसेस मीट्स. राइट. एजेस आर दोज लाइन्स वेयर फेसेस मीट. तो हेयर इज वन लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, राइट, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन, इलेवन एंड ट्वेल्व. तो टोटल 12 एजेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड. राइट. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वर्टिसेस. वर्टिसेस इज प्लूरल ऑफ वर्टेक्स. राइट. एंड व्हाट इज वेयर, व्हाट इज वन वर्टेक्स वेयर edges meet. Right. And where edges, three edges are meeting or three faces are here, these are the points, these corner are known as the vertices. So how many vertices are there? 1 2 3 4 5 6 7 and 8, like this. So total vertices 8 are there. Right. See another example. It is a square pyramid and if we have to find count the number of faces of it, how we can count फर्स्ट फेस एंड द सेकेंड फेस. राइट. ये हो गए आपके फ्रंट वाले और इन दोनों के जो बैक साइड पे आ रहे हैं. राइट. इस लाइन के ऊपर जो चलेगा इस साइड के ऊपर वो थर्ड वन एंड देन द फोर्थ के ऊपर आ जाएगा, दैट इज़ फोर्थ वन. ये फोर हो गए हमारे पास लेटरल फेसेस और जो फिफ्थ हो गया ये बेस का आ गया. तो कितने टोटल फेसेस हो गए एक स्क्वेयर पिरामिड के, फाइव फेसेस. अब नाउ वी आर गोइंग टू काउंट द एजेस. एजेस क्या होती है, हमारे पास लाइंस होती हैं. सेम हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 and 8. तो हाउ मैनी एजेस आर देयर, टोटल 8 एजेस आर देयर. राइट. नाउ कम टू द वर्टिसेस. राइट. वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास, पॉइंट्स, कॉर्नर. सो फर्स्ट कॉर्नर, सेकेंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर एंड फिफ्थ कॉर्नर. तो टोटल वर्टिसेस कितने हो गए हमारे पास, टोटल वर्टिसेस आ जाते हैं हमारे पास 5. एंड इन दिस वे वी कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ अ सॉलिड. हेयर इट इज़ अ लिस्ट ऑफ सम सॉलिड शेप्स एंड नंबर ऑफ देयर डिफरेंट पार्ट्स रिटन इन फ्रंट ऑफ देम. ओके. नाउ इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज डिफरेंट पार्ट्स? Yes, there is a relation between faces, vertices and edges. And to draw this relation, we use Euler formula. Euler formula is used to draw the relationship between the different parts of solid figure, right? These parts are the faces, edges and the vertices, and according to it, F plus V minus E is equal to 2. Where F is the number of faces, V is the number of vertices and E is the number of edges, right? If any, if parts of any 3D object satisfy this formula, then that 3D is a polyhedron. पॉलीहेड्रन बेसिकली बच्चों क्या होता है, पॉलीहेड्रन होता है वो 3D ऑब्जेक्ट है जिसके सारे फेसेस क्या है, पॉलीगनल फेसेस हैं. जिसके सारे फेसेस क्या हैं, स्ट्रेट फेसेस है, उसमें कोई भी कर्व फेस नहीं है. अब जैसे सिलेंडर में है कर्व फेस है तो वो यूलर फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा. या स्फीयर है उसमें भी क्या आता है, कर्व सरफेस आता है, तो वो भी मेरे पास यूलर फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास स्फीयर और जो सिलेंडर है वो पॉलीहेड्रन नहीं है. पॉलीहेड्रन कौन से होते हैं, जिनमें सिर्फ स्ट्रेट फेसेस होते हैं और कोई भी एक गिवन डायमेंशन, तीन चीज़ें फेसेस, एजेस और वर्टिसेस किसी पॉलीहेड्रन की हैं या नहीं है ये हमें पता चलता है यूलर
फार्मूला से। देखिए अब हम इसको चेक करते हैं इन केस ऑफ क्यूबॉइड। अगर मेरे पास सिक्स फेसेस हैं, 12 एजेस हैं और वर्टिसेस 8 हैं, क्या ये सेटिस्फाई करता है इसको? इसके लिए हम चेक करते हैं फेसेस कितने हो गए मेरे पास, 6 हो गए राइट, वर्टिसेस हो गए मेरे पास 8, एजेस हो गई 12 राइट। 6 प्लस 8 गिव्स मी 14, माइनस 12 इट गिव्स मी 2, एंड ऑन द राइट हैंड साइड 2 इज देयर, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो अ क्यूबॉइड, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड ना, सो ए क्यूबॉइड सेटिस्फाई द यूलर फॉर्मूला। वी कैन चेक यूलर फॉर्मूला फॉर स्क्वेयर पिरामिड ऑल्सो। वॉट इज द यूलर फॉर्मूला? एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 राइट। तो नंबर ऑफ फेसेस 5, नंबर ऑफ वर्टिसेस 5 एंड नंबर ऑफ एजेस 8 राइट। 5 प्लस 5 गिव्स मी 10, माइनस 8 इट गिव्स मी 2, एंड ऑन राइट साइड ऑल्सो 2 इज देयर, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस फार्मूला मीन स्क्वेयर पिरामिड, स्क्वेयर पिरामिड ऑल्सो सेटिस्फाई द यूलर फार्मूला। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन ड्रॉ आइसोमेट्रिक स्केचेस ऑफ सॉलिड्स। आइसोमेट्रिक स्केचेस वी ड्रॉ ऑन आइसोमेट्रिक शीट। स्टूडेंट सी, इट इज़ एन आइसोमेट्रिक शीट, इट इज़ ए डॉटेड शीट, एंड इन दिस शीट ऑल डॉट्स आर अरेंज सो दैट एवरी ग्रुप ऑफ 3 डॉट्स इज मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट। ऑन द होल शीट यू कैन सी द ग्रुप ऑफ एनी 3 डॉट्स इज मेकिंग 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल राइट। सो नाउ वी विल ड्रॉ ए hexagonal prism right, now we are going to draw a hexagonal prism on it. So see how we can draw a hexagonal prism on an isometric sheet. First of all we have to draw a hexagon, and all of you know ki what is a prism. Prism is a solid figure which is having same base and the same top, which is having the same base, the figure which is its base will be at its top right. Now I have drawn this hexagon right, now I am going to give it a height, and for giving height to these vertices I will draw dotted lines, because these vertices will provide me the back sides faces na? That's why right. I will draw the equal line from all the 6 faces right. Now I'm going to join these. Points to make the top surface. Right? Here I'm getting the top hexagon. So here it is, hexagonal prism. The prism is a figure in which the bottom and the top faces are of the same shape, like hexagon is at down and hexagon is at the top, and having rectangles, parallel rectangles at its faces right, at its sides. Next I will show you how you can draw a square pyramid on it right. For square pyramid we need to first draw a square for its base right, by joining the dots, and then by giving the height right. Next I am going to give the height to it, then join this vertex and then this vertex. Here is your square pyramid right. So in this way, by joining the dots on isometric sheet, you can very easily draw the
isometric sketches of 3D objects. Now that's all for this chapter. Now students, you can very easily complete this chapter, and PDF related to today's work has been uploaded. Try to solve that, and all the best.